ये आप देख रहे हैं मेहरानगढ़ किला का प्रवेश द्वार। मेहरानगढ़ किला, जिसको मेहरान किले के रूप में जाना जाता है, इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। ये यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी जांच की जाती है। यह ठाकुर चौहान की छतरी है। यहाँ से आप किले का प्रवेश द्वार का टिकट क्रय किया जा सकता है, जिसका शुल्क 200 रुपये और ऑडियो शुल्क है 180 रुपये, और रियायती शुल्क 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग के लिए 100 रुपये, और विद्यार्थियों सैनिकों के लिए भी 100 रुपये, और ऑडियो शुल्क 120 रुपये। गाइड शुल्क यहाँ पे 1 से 4 व्यक्तियों का 500 रुपये का शुल्क है, और हमने एक्सवेटर का भी ले रखा है, ताकि हम एक्सवेटर से सीधा किले के ऊपर पहुँच सके। इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। 410 फीट ऊंचाई पहाड़ी पर चोटी पर स्थित है। मेहरागढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है, जो बेहद शाही है। किले में 7 द्वार है, जिनमें विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, देड़ कामगरा गेट, फतेह गेट, मारवी गेट, लोहा गेट के नाम से शामिल है। 200 रुपये का टिकट मेहरागढ़ फोर्ट का और एलिवेटर का है 50 रुपये। समय बचाने के लिए हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। ये हम पहुंच गए हैं किले के ऊपर छत पे, जहां से आपको जोधपुर का शहर का पूरा नज़ारा दिख रहा है। ये आप सामने देख रहे हो, पार्किंग है, कारों की पार्किंग। सामने जोधपुर शहर दिखाई दे रहा है। इस किले के बारे में किद्वंत है कि यहाँ पे श्राप दिया गया हुआ था। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अनुशासकों मालदेव महाराज, अजीत सिंह महाराज, तखत सिंह महाराज, महाराजा हनुमंत सिंह द्वारा इस किले में अन्य निर्माण किए। मेहराबगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक व्यक्ति को स्वैच्छिक बलि चाहिए थी, जिसके लिए राजा राम मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि दी थी। हेलो, ब्लू सिटी जोधपुर हमारे पीछे। 500 साल की अवधि में मेहरानगढ़ किले और महलों को बनाया गया था। किले की वास्तुकला में आप 20वीं शताब्दी की वास्तुकला की विशेषताओं के साथ 5वीं शताब्दी के बुनियादी वास्तुकला शैली को भी देख सकते हैं। यह आप देख रहे हैं, छोटी छोटी तोपें रखी हुई है। किले में 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवार है। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार है, जिनमें से जयपोली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। किले का वास्तुकला 500 वर्ष की अवधि के विकास से गुजरी है। महाराजा अजीत सिंह के शासन के समय इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिज़ाइन में किया गया है। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाले 7 द्वारों के अलावा मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल,
सुरेश खान जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था। शीश महल या हाल ऑफ मिर्सर बेहद आकर्षण है, जो अपनी दर्पण के टुकड़ों पर जटिल डिज़ाइन की वजह से पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। जोधपुर से ये हम आपको मेहरागढ़ फोर्ट का दृश्य दिखा रहे हैं। यह आप देख रहे हैं हुक्का। पुराने टाइम पे लोग ऊपर हुक्के में तंबाकू लगा के पीते थे। ये हाथी का हौदा आपको लग रहा है, जिसमें सोने की पॉलिश की हुई है, जिसमें राजा राजाओं और राजा के परिवार के सदस्य हाथी के ऊपर रख के इस पे बैठ के सैर सपाटे और सवारी और लड़ाई कर किया करते हैं। ये हम आ गए हाथी का हौदा संग्रहालय में। हावड़ा एक प्रकार की दो डिब्बे वाली लकड़ी की सीट होती है, ज़्यादातर सोने या चांदी की उभरी हुई चादरों से ढकी होती थी, जो हाथी की पीठ पर बांधी जाती थी। अधिक पैर रखने की जगह और उभरी हुई सुरक्षात्मक धातु की चादर वाला सामने का डिब्बा राजा और राजघरानों के लिए था। यह आप संग्रहालय देख रहे हैं हाथी का हौदा। यह आप मेहरानगढ़ किले की सैर सुनील के U8 ट्रेवल ब्लॉग के साथ कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि अच्छे से जानकारी दी जाए और किले की एक एक चीज़ का वर्णन बखूबी से हो। अब अगला है हमारा पालकी संग्रहालय, जहाँ पे 20वीं सदी की दूसरी तिमाही तक कुलीन महिलाओं के लिए पालकी यात्रा और परिक्रमा का एक लोकप्रिय साधन था। इनका उपयोग विशेष अवसरों पर पुरुष कुलीनों और राजघरानों द्वारा किया जाता था। शादी और इधर उधर यात्रा करने के लिए भी इसका पालकी का उपयोग किया जाता है। तरह तरह की पालकियाँ
रखी हुई है, पालकी संग्रहालय है ये। शस्त्र शस्त्रशाला शाला यह गैलरी जोधपुर में हर काल के कवच का दुर्लभ संग्रह प्रदर्शित करती है। प्रदर्शन में जेड, चांदी, गेंडे की सींग, हाथी दांत से बनी तलवारें की मूठे, माणिक, पन्ना और मोतियों से जड़ी ढाले और बैरल पर सोने और चांदी के काम वाली बंदूकें प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। गैलरी में कई सम्राटों की निजी तलवारें भी प्रदर्शन में रखी हुई है, जिनमें राव जोधा की खंडा जिसका वजन 3 किलोग्राम से अधिक है, अकबर की तलवार, तैमूर की तलवार जैसे उत्कृष्ट ऐतिहासिक वस्तुएं शामिल इस संग्रहालय में की हुई है। शस्त्रशाला संग्रहालय देखिए आप। तरह तरह की चीज़ें रखी हुई है, यह आप देख रहे हैं। हाथी के दांत से संग्रहित राई का बाग रेलवे स्टेशन, जो जोधपुर का एक रेलवे स्टेशन है, उसका मॉडल रखा हुआ है। खंजर, चाकू, ताले, मारवाड़ के सिक्के, प्रथम मारवाड़ी सिक्का मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह 1707 से 1724 के शासनकाल में राजाओं के भ्रमण के टाइम पे तंबू, कालीन इस तरह के लगते थे। शीश महल, शीश महल का निर्माण राजा महाराजा अजीत सिंह के द्वारा निर्मित किया हुआ है। ये झाड़ फानूस लगी भी है, शाही लोगों की चित्र लगी भी है, ये है आप देख रहे हो शीश महल। फूल महल का निर्माण महाराजा भय सिंह जी
1724 से 1750 ईस्वी में करवाया था। असली सोने के काम से चित्रित कराया गया है। शस्त्र का भंडार रखा हुआ है। मेकिंग ऑफ स्पॉट, तलवार बनाने की प्रक्रिया से रूबरू करा रहे हैं आपको फोर्ट में। अब आप देख रहे हैं फूल महल, फूल महल राजा के विश्राम के लिए कमरा बना हुआ है, जिसमें ऊपर आपको पंखा लगा हुआ दिख रहा है। एक सेवक बाहर बैठ के उसको हिलाते रहता है और पूरा फूलों की तरह से कमरा सजा हुआ है। ये हम अब आ गए हैं झांकी महल में। झांकी महल का निर्माण महाराजा फतेह सिंह जी ने 1860 ईस्वी में करवाया था। दो मंजिल यह भव्य जालीदार झरोखे से सुसज्जित नक्काशीदार लाल पत्थरों के मंगलदार छज्जों से युक्त वातावरण की निर्मित महल है। इस महल का निर्माण रानियों और राज परिवार के सदस्यों के द्वारा दोनों ओर के चौक में आयोजित राजशाही उत्सवों को देखने के लिए किया गया, जिससे यह महल झांकी महल कहा जाने लगा। अब हम जनानी देवड़ी में आ गए हैं, जो कि कितनी शानदार
रानियों के लिए ऊपर से बैठ के झरोके से देख के, कोई भी जो उत्सव उग रही है, कोई कार्यक्रम में भी होता है तो उसको ऊपर बैठ के देखा करती थी। और अब हम मोती महल दरबार में पहुंच रहे हैं, जो कि शंख सीपियों के आवरण को पीस कर उपयोग कर बनाया गया हुआ है, जो कि सफ़ेद संगमरमर की तरह से चमकता है। मोती महल मेहरानगढ़ के प्राचीनतम महलों में से एक, जो आज भी अपने मूल स्वरूप में है। इसका निर्माण सवाई राजा सूरत सिंह जी 1595 से 1619 ईस्वी में करवाया था। इस महल की छत पर बहुत ही सुंदर सोने की नक्काशीदार काम किया गया है। बीच बीच में शीशों का जड़ाव भी है। मोती महल के विशाल कक्ष में आठ पहलू वाला मुगल सिंहासन रखा है। सिंहासन के दाईं और बाईं और मारवाड़ के तापी और जीवनी मिसल के भागीरथ जागीरदारों के दरबार में बैठने की गद्दियाँ अब भी मौजूद है। मोती महल में सुनहरा आला है, जिसमें सोने के वर्क से बहुत ही सुंदर उभरती हुई फूल पत्तियों पर काम किया गया है। ये आप देख रहे हैं मोती महल का जनानी देवड़ी, जो कि महिलाएं उगरे ऊपर बैठ के राजाओं के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसकी देख रहे। कितने नक्काशीदार जालियाँ बनी हुई है, निर्मित की हुई है, कितनी अद्भुत सुंदर दिखाई दे रही है। आप देखिए नक्काशीदार जालियाँ, इस प्रकार हमारे द्वारा सुनील के यूएस ट्रेवल ब्लॉग्स द्वारा मेहरानगढ़ किले की सैर आप भी कर रहे हैं और वीडियो आप देख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।
इस प्रकार मेहरानगढ़ किले की यात्रा कंप्लीट होती है और हम दरवाजे से बाहर आ रहे हैं। ऊपर हम आपको किले की दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो थैंक यू।